पिछले हफ्ते मैंने चैनल पर एक पोल डाला था कि कितने लोग आज भी नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन्स यूज करते हैं। एंड टू माय सरप्राइज 50% से ज्यादा फाइबर सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि वो आज भी एक नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन्स प्रेफर करते हैं। और पोल डालने की जो वजह थी, जो रीजन था, वो थे ये OnePlus के नए बुलेट्स, OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z2 ANC। बहुत लंबा नाम रख दिया और कसम से इतने टाइम के बाद जाके जो है मैंने एक नेक बैंड स्टाइल ईयरफोन्स यूज करें। तो इस हफ्ते मैंने यूज करे OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z2 ANC एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू से अबाउट देम इज कि पर्सनली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था TWS से नेक बैंड के ऊपर जाना और इनसे एडजस्ट होना। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली इस स्टाइल के ईयरफोन्स चाहिए, अगर आप मार्केट में ढूंढ रहे हो, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत शिद्दत, मेहनत, ऑनेस्टी, ईमानदारी, खून पसीना और केमिकल एक्स डाल के बनाई है, मजा आएगा। डिजाइन जो होता है नेक बैंड ईयरफोन्स का वही है, ऊपर फ्लेक्सिबल ये नेक बैंड दिया हुआ है, बीच में दो प्लास्टिक पार्ट्स हैं और लास्ट में जो है ईयर कप्स हैं, इनमें भी प्लास्टिक है और सिलिकॉन की ईयर टिप्स दी हुई हैं। 3 एक्स्ट्रा जो टिप्स हैं वो बॉक्स के अंदर ही मिलती हैं, तो अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है। बिल्ड क्वालिटी सही लगी मेरे को, टैंगल फ्री डिज़ाइन है, इधर दोनों जो है प्लास्टिक के कटआउट्स हैं, इसमें एक तरफ जो है सिर्फ OnePlus का लोगो दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ जो है दो वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए हुए हैं, एक बीच में उनके बटन है जिससे म्यूजिक प्ले और पॉज होता है या फिर ट्रैक्स चेंज हो जाते हैं, और उसके पीछे जो है इधर की तरफ यहाँ पर एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, इसके साथ में एक LED लाइट है जिसमें जब भी पेयरिंग मोड में होता है तो ये फ्लैश होने शुरू हो जाती है। ईयर कप्स पर मैग्नेट है, ये कूल है, और ओवरऑल जो नेक बैंड है वो काफ़ी हल्का है, प्लस इसमें IP55 रेटिंग दी है, तो वाटर स्वेट से प्रोटेक्शन है, तो बढ़िया, जिम जाओ पहन के आराम से रनिंग वगैरह करो, कोई डैमेज नहीं होगा। ओवरऑल आई लाइक द डिज़ाइन, वेरी फंक्शनल। देखो भाई, सिंपल सा गेम है, कंट्रोल्स बहुत आसान से हैं, इन ईयर कप्स को ऐसे अलग कर दो तो जो ईयरफोन्स हैं वो पेयरिंग मोड के अंदर चले जाते हैं, ऐसे बंद कर दो तो ये बंद हो जाते हैं। और क्या है ना कि गूगल का फास्ट पेयर सपोर्ट दिया हुआ है, तो एंड्रॉयड फोन्स में तुरंत पॉपअप आ जाता है, फटाफट से कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर एक बार पेयर कर लिया तो कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने बोला कि इसको बस अलग करो ईयर कप्स को, ये ऑटोमेटिकली जो है आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और वापस लगा दो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अगर म्यूजिक ऑलरेडी प्ले हो रहा होगा कनेक्टेड डिवाइस के ऊपर तो इनको बंद करने पे वो पॉज भी हो जाएगा, तो ये काफ़ी मतलब क्विक है, हालांकि थोड़ा सा मुझे लगा एक स्प्लिट सेकंड लेता है कई बार ये पॉज करने में, बट ओवरऑल इट वर्क्स फाइन। कंट्रोल में आपको रियल टाइम दिखा देता हूँ, म्यूजिक इंस्टेंटली प्ले पॉज हो रहा है और गाने चेंज भी हो रहे हैं। बाकी ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी दी है, 10 मीटर का रेंज है, और जो कनेक्शन था कनेक्टिविटी थी वो मुझे यूजुअली काफी स्टेबल लगी। ऑडियो में एकदम OnePlus का ट्रेडमार्क है, मतलब खतरनाक बेस है, भर भर के फुल ऑन। 12.4 mm के ड्राइवर्स दिए हुए हैं ईयरबड्स के अंदर, दोनों कप्स के अंदर, और मस्त बजते हैं एकदम, बहुत लाउड है, मतलब 70% वॉल्यूम के ऊपर भी ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों के अंदर ड्रम्स बज रहे हैं दमादम। लोज मिड्स क्लियरली डोमिनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजिन ड्रैगन्स का थंडर 50% वॉल्यूम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, ड्रम्स फेल्ट सो लाइवली, इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिकली काफ़ी मस्त साउंड कर रहे थे, बट जैसे जैसे मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाया 75-80% के ऊपर गया, तो उसके बाद जो वोकल्स हैं उनको धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स ने, म्यूजिक ने ओवर पावर करना शुरू कर दिया। सेम चीज़ हिम फॉर द वीकेंड में भी हुई, जो वोकल्स हैं वो ओवर पावर हो गए थे बाय द लोज एंड द मिड्स। और ओशन ड्राइव एक और गाना जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वो मुझे जेन्युइनली फील हो रहा था, ये काफ़ी सही था। 442 करके एक पॉडकास्ट है जो मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ, फुटबॉल के ऊपर है, वो मैंने सुना, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा बिकॉज जो कॉन्वर्जेशंस थी वो एकदम क्लियर थी। और इसके अलावा यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इन सब के लिए भी जो है मैंने OTT पे कुछ शोज भी देखे, इनफैक्ट वहाँ पर भी डायलॉग्स क्लियर थे, जो म्यूजिक था वो भी अच्छा था। तो गानों के लिए मैं बोलूँगा, म्यूजिक के लिए अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक का शौक है, EDM का शौक है, तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आएंगे। मेलेडीज थोड़ी सी उतनी ज़्यादा अच्छी साउंड नहीं करती है, प्लस कॉन्टेंट वगैरह कंज्यूम करने के लिए काफ़ी सही है। 3 माइक्रोफोन्स दिए हैं कॉलिंग के लिए, और कॉलिंग में मुझे जनरली कोई भी इशू नहीं आया, इनफैक्ट मैं एक कॉल का सैम्पल भी आपको सुना देता हूँ। हेलो, हाँ भाई अमित, क्या हाल है? बस बढ़िया, तुम बताओ। मैं बढ़िया यार, मैं एक और आ गए ईयरफोन हमारे पास टेस्ट करने के लिए, OnePlus के है ये, तो मैं सोचा तेरे को कॉल लगा दूँ। बताओ, मेरे पीछे तो टाइपिंग वाइपिंग हो रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, आवाज़ आ रही है? मुझे तो बस तुम्हारी आवाज़ आ रही है, टाइपिंग के तो कोई नहीं आ रही। सरप्राइजिंगली मेरे को भी तेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है, तू है कहाँ पर अभी? मैं भी यार ऑफिस में हूँ, बहुत सारी बे में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ यहाँ पे भी टाइपिंग हो रही है बहुत सारी। चलो बढ़िया है, मतलब कॉल क्वालिटी तो सही है इसकी ना। एक जो USP है इन ईयरबड्स की वो डेफिनेटली ये है कि इनके अंदर
एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट वाले TWS के अंदर भी उतना कॉमन नहीं है, एंड इट इज इफेक्टिव। मैं नहीं बोलूंगा कि बेस्ट ANC है, बट जो 4-5 हज़ार रुपए तक के भी TWS आते हैं उनसे डेफिनेटली बेटर है। फैन की नॉइस, ऑफिस में जो चैटर होता है आसपास, वो कीबोर्ड के ठक ठक करने वाली आवाजें, ये सब इसने काफी इफेक्टिवली जो है फिल्टर आउट कर दी थी। बैटरी को लेकर तो भाई साहब OnePlus ने बहुत तगड़े तगड़े क्लेम्स करे हैं कि ANC के साथ 20 घंटे की है, बिना ANC के 28 घंटे की, और 10 मिनट अगर इसको चार्ज कर लोगे, फास्ट चार्जिंग इतनी है कि 20 घंटे तक यूज कर सकते हो। मैं ये बोलूंगा, मैं पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और अच्छा खासा मैंने 10-12 घंटे तो यूज कर लिए होंगे ये अभी तक, और उसके बाद भी 50% ही बैटरी ड्रेन हुई है। तो यस, क्लेम्स के काफी क्लोज, और मैंने मोस्टली जो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ ही यूज करा है। तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा, अगर आप एक बार फुल चार्ज कर लो इनको, तो फिर हफ्ता 10 दिन तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद वापस से चार्ज करने की। कोई शक नहीं है कि यार बड़े मस्त ईयरफोन्स बनाए हैं, ऑडियो इज क्लियर, लाउड बूमी बेस है, मजा आता है गाने सुनने के लिए, और बैटरी बैकअप जो है वो भी काफी तगड़ा है। बस सवाल मेरे लिए यही है कि कितने लोग आज की डेट में इस तरह का स्टाइल प्रेफर करेंगे, बिकॉज TWS का मार्केट हम सबको पता है कितना ज्यादा पिक हो गया है। हर दूसरा बंदा मैं देखता हूँ मेट्रो में, सड़क पे, वो TWS लेके घूम रहा होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली कंप्लीटली वायरलेस एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप उस वाले फॉर्म फैक्टर से कंफर्टेबल हो, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन जो वो 57% लोग हैं जिन्होंने वोट किया है हमारे पोल में, और जिन्हें इस तरह का ही डिजाइन चाहिए, उनके लिए डेफिनेटली ये कंसिडर करने के लायक है। मैं तो बोलूंगा खरीदने लायक भी बिल्कुल है। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि जो इस प्राइस पॉइंट पर दूसरे TWS आते हैं, उन सबसे डेफिनेटली इसकी ऑडियो परफॉर्मेंस ANC सब बेटर है। एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ 2,000 रुपये के आसपास ये लॉन्च होंगे, तो 2,000 रुपये वाले TWS से एनी डे ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। जो मेरी रेटिंग है, फाइबर की रेटिंग है फॉर OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z2 ANC, इट्स 8/10।